सीधे रुख करेंगे एलएसी का। अभिषेक उपाध्याय वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिषेक, इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा हमारे जवानों के लिए, उन निगहबानों के लिए जो कि सरहद पर तैनात हैं, हिफाजत कर रहे हैं देश की, उनके लिए कितना प्यार, कितनी मोहब्बत झलक रही है। घर का बना हुआ खाना पहुंचा रही है महिलाएं, और भी जोश हाई हो गया होगा जवानों का। बिल्कुल, और ये जिस दिन हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर काबिज हुए थे हमारे जवान, उसके बाद से ही वहाँ के जो आसपास के गांव हैं चुशुल के, वहाँ से लोग सामान लेकर के जा रहे हैं। और उन्होंने खुद अपनी तस्वीरें भी भेजी थी, घर से खाना जा रहा है, तमाम और ज़रूरतों का सामान जा रहा है, सारे गाँव के लोग उमड़ रहे हैं। और ये वो इलाके हैं जो दुर्गम हैं, जहाँ चढ़ने में मुसीबत होती है, लेकिन वो खुद चढ़ रहे हैं, न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि जो एलएसी के पास के गांव में वो उसको पहुंचा भी रहे हैं। और ये पूरे उस जो सीमा रेखा है, पूरे सीमा रेखा पर बसे गांव में यही सिलसिला जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक बने रहे हमारे साथ। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी